सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो इंस्टाग्राम चला रहा हूँ मैं, जब भी इनको मैसेज कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे इनवाइट सेंड की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। नीचे देखने मिलता है यू कैन सेंड मोर मैसेज आफ्टर योर इनवाइट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आई होप अगर आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको ना दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक मिल सके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इनवाइट सेंड प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे क्यों आ रही है। ठीक है, तो यू कैन सेंड मोर मैसेज आफ्टर योर इनवाइट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो क्या करिएगा, इसको बैक करिएगा। ठीक है, इनको जब मैं मैसेज करता हूँ तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, मेरा यहाँ पे मैसेज इनके पास नहीं जा रहा है ताकि इनको भी पता चले कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनको मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे जो एक्सेप्ट कर सकें और मेरी यहाँ पे जो मैसेज होती है वो उनके पास पहुँच जाए, वो मेरी मैसेज को एक्सेप्टेड कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इनको इंक्वायरी नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को अपना जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने मिलती है इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। कैसे लेना होगा, तो ऐसे जिसको चैट कर रहे हो ना उनकी चैट को इस तरीके से मैसेज पे आना होगा और उनका स्क्रीनशॉट इस तरीके से सेट करना होगा। ठीक है, मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करिएगा, अब यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स उसको बैक करिएगा। ठीक है, इतना बैक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप लोग प्रोफाइल मिलती है आपके नीचे साइड में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री लाइंस मिलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में कई सारी सेटिंग होती हैं देखने लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है हेल्प का। ठीक है, हेल्प पे क्लिक करेंगे। हेल्प पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनको अनटिक करेंगे, यहाँ पे ऑन होता है तो इसको ऑफ करेंगे, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को देखने ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी जो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम होती, जो प्रॉब्लम होती वो आपको यहाँ पर टाइप करिएगा। मैंने ऑलरेडी इस तरीके से इन्वाइट की थी, यहाँ पर टाइप कर दिया है। आपको ये टाइपिंग अगर नहीं कर पा रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करिएगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था ना वो ये वाला स्क्रीनशॉट, इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे देखने को मिलता है प्रॉब्लम। यहाँ पे इनवाइट सेंड प्रॉब्लम यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे प्रॉब्लम और लिखना है, मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, सेंड करने के बाद 1 से 2 घंटे में ये मैसेज की प्रॉब्लम होती है, इनवाइट फ्रेंड की मैसेज की प्रॉब्लम होती है, सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है तो परेशान नहीं होना है, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज़ करने के बाद क्या करेंगे, आपको प्ले स्टोर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, दैट इज़ क्रोम ब्राउज़र इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। ठीक है, इंस्टाग्राम मैं टाइप कर देता हूँ, इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। ठीक है, इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन यहाँ पे टाइप करिएगा, थोड़ा सा इस द्वारा टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन टाइप किया इस तरीके से। इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन टाइप करने के बाद यहाँ पे देखना इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन ऑल वर्जन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो ओल्ड वर्जन होता है ना उसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग कहीं से भी इंस्टाग्राम का ओल्ड वर्जन टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे, 100% आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व। सो फ्रेंड, ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।